तो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हमें ना कुछ महीनों पहले से वीडियोग्राफी का भूत चढ़ चुका है। तो हम अपना कैमरा उठाते हैं और कभी इधर का शूट ले रहे हैं, कभी इधर का, और करना चालू कर देते हैं। कभी कभी मित्र साथ में रहते हैं तो हमारे खुद के भी शॉर्ट्स आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अभी कुछ हफ्ते पहले वापस कहीं गए थे, तो बार हमने अलग अंदाज में एक वही सेम जगह को जो हम जहाँ पहले जा चुके हैं उसको दूसरे अंदाज में फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी आप लोग इतने सीन्स देखने वाले कि आपने अगर एक बार भी पलक झपकाई तो आपका एक सीन मिस हो जाएगा, इसलिए पलकें मत झपकाइएगा। एक मिनट ऋषि भाई, एक बात तो बताओ कि इतने सारे सीन्स तो हम देख लिए लेकिन कुछ खास समझ नहीं आ रहा है हमें। अरे अमा भाई जरा रुको तो सही, बताते हैं तुम्हें कि अभी एक दो हफ्ते पहले जैसे आप लोगों को पता है कि होली थी, तो अभी हमने मनाई कुछ होली ऐसे। हमने जितनी होली खेली होगी उससे ज्यादा तो हम पानी में नहाए हैं। खैर कोई नहीं, इसका एक वीडियो इंस्टा पे हम ऑलरेडी डाल चुके थे, वो देखना हो तो इंस्टा आईडी इधर लिख के आ रही है, इस पे देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, हम चलते हैं 12 मार्च को। 12 मार्च को मिलते हैं। 12 मार्च को हमने की पहले बैकपैकिंग करने के बाद हमने बाइक पर बैठे और सफर किया चालू, जो कि हमने एक मिनी ब्लॉग में शायद दिखाया भी हुआ है, लेकिन हमने उस रास्ते में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बाइक पे हवा इतनी चल रही होती है कि कभी कभी फ़ोन भी पीछे को चला जाता है, डर लगता है कि भैया गिर गया तो नुकसान हो जाएगा चलने में। तो मिलते हैं सीधे सेवड़ा। सुबह के बज रहे हैं 5:45, समय हो चुका है सूर्योदय का। थोड़ी देर में जा रहे नदी की तरफ, बस फिर देखते हैं क्या सब मिलता है, सनराइज हमको बकाया मिलते हैं। एक सनराइज का टाइम लैप्स खराब करके आ रहे हैं हम लोग। अब देखो सामने से आवाज़ आ रही होगी झरने की, तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद उसके सिनेमैटिक्स दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख जाए तो समझ लेना वो भी ख़राब कर दिए। बकाया मित्र आ रखे हैं साथ में, एक ही है। हाँ ठीक है, एक ही मित्र है इस बार। और सुबह तो उठ गए थे समय से, आज को ज़्यादा जल्दी उठ गए थे, तो इस कारणवश हमने सूरज पकड़ लिया। सूरज देवता जी उग चुके हैं पूर्णतः। अब हम जा रहे हैं इधर पकाया। हाँ, हमारे जाने का, कहीं जाने का जो घूमने का प्लान था वो हमको लग रहा है कि होने वाला है कैंसिल। अगर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो थोड़ी दुखद है, बट चल जाएगी, सह लेंगे। चलो ठीक है। डांगों की ओर आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि हम चंबल में रहते हैं, चंबल के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो चंबल में क्या है, ये कुछ सी जगह रहती हैं, डांगे बोलते हैं इनको हम, ठीक है। तो क्या सीन होता है कि जैसे टीला है, फिर उसके बाद एकदम नीचा हो जाता है, और इंसान तो इनका यूज़ किया करते थे कौन, जो डाकू वगैरह छुपते थे हमारे यहाँ। अब जैसे कुछ लोग जा रहे हैं डांगों में लकड़ी वकड़ी तोड़ने जाएंगे ये लोग, फिर लकड़ी वगैरह लाते हैं। हमारे यहाँ पे है किसानों का बढ़िया सीन रहता है, यहाँ से उन लोग को लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती है। और देखो ये है पूरा किला दिखता है इस वाली जगह से पूरा ऑलमोस्ट, मतलब वहाँ से शुरू हो रहा होगा उधर से किधर, हाँ इधर किधर से शुरू हो रहा है और उधर ख़त्म होता है उधर जाके। कितना बड़ा है और कितना बढ़िया सुंदर लगता है,
और उसके बाद यहाँ से नदी दिखती है हमारी, तो सनसेट तो यहाँ बहुत मस्त होता है। आ सकते हैं हम इधर पे भी, शाम के टाइम आएंगे आज, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। और आजकल ना हरियाली बहुत है, मस्त लग रही है देखो। उसके बाद वो वहाँ पे ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है बस, और क्या ही बताएं जाए। और हेलो गाइस, ये हेलो गाइस वाले लड़के भी हैं मेरे साथ, मतलब ठीक है, जय श्री राम। मुंह से निकल रही मेरे मुंह। और क्या है ये, अभी क्या है हमारे यहाँ का पुल टूट रखा है, तो ये रोड इसलिए खाली पड़ी रहती है। दिखाते हैं वो दृश्य भी आप लोगों को थोड़ी देर में, जब तक सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, नहीं तो हमारा शहर नहीं कस्बा देखो, दिख रहा है किला और उसके बाद यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं। ब्रोकन हार्ट विद ब्रोकन ब्रिज, यस ठीक है। एक आध गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं छोटे ब्रिज से, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद। देखो तो इस वर्ष बरसात के मौसम में क्या हुआ कि हर साल बाढ़ आती है, बट इस बार इतनी ज़्यादा आई कि हमारे पुल की कुछ ये स्थिति बची। ओह, टूटे हुए पुल के टुकड़े वहां तक बह के पहुंच गए और ये जो जिन पे खम्भों पे खड़ा हुआ था वो खम्भे यहाँ गिर गए। अब क्या ही किया जाए, बस बहुत तेज था इस बार बहाव, बरसात के मौसम में जब बाढ़ आई तो पुल के ऊपर से तक पानी निकल गया था। ये पुल बहुत ऊंचा है, अब कितना है ये तो नहीं बता सकता मैं। पुल की कुछ ये स्थिति बची है, इसलिए अब वो छोटा वाला पुल जो दिख रहा होगा उधर बना हुआ है, पुराना पुल है ये, है 1950 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 साल हो चुके हैं उस ब्रिज को भी, 80 साल लगभग। तो अब वो ब्रिज का यूज किया जा रहा है, उसमें से छोटे छोटे वाहन निकलते रहते हैं, पैदल चलने वाले लोग निकलते रहते हैं। अब देखो यहाँ से किला तो इतना ही सुंदर है ये कि देखो बढ़िया सनलाइट पड़ रही है, महल वाला पार्ट है सबसे आगे दिख रहा है ये, और वो ईदगाह बनी हुई है ये वाली, ये ईदगाह है।